हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता आज आपके सामने सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। सैंडविच बनाने वाली हूँ, वो भी पावर पैक सैंडविच। वो बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। इस पे इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत बहुत कम होती है। शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए लिए है मैंने टमाटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चटनी जो घर में अवेलेबल होती है, आप बना के भी ले सकते हैं, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक। उसके अलावा लिया है बीट रूट एक, इसको गोल पीस में कटिंग कर लिया है। एक खीरा लिया है, इसको भी गोल पीस में कटिंग कर लिया। एक टमाटर लिया है और चीज़ लिया। उसके अलावा मैंने 6 स्लाइस ब्रेड ली है, 6 पीस ब्रेड के लिए हैं। सबसे पहले ब्रेड के पीस को चारों तरफ से कटिंग कर देंगे इस तरह से। ब्रेड को अपन कटिंग कर चुके हैं। अब सबसे पहले ब्रेड के ऊपर वन साइड ग्रीन चटनी लगाएंगे, इस तरह से फैला देंगे। सेकेंड के पीस के ऊपर टमाटो केचप डाल देंगे। इसको भी फैला देंगे अच्छे से। थर्ड ब्रेड के ऊपर चिल्ली सॉस लगाएंगे, इसको भी फैला देंगे। सबसे पहले सॉस के ऊपर खीरे को सेट करेंगे। रेड चिल्ली पे टमाटो, सेट करेंगे इसके ऊपर बीट रूट स्लाइस को पतला रखें, अगर मोटा है तो कटिंग में दिक्कत आएगी। इस तरह से रख देंगे। अब तीनों ब्रेड के ऊपर चाट मसाला लगाएंगे। अगर तीखा खाते हैं तो ब्लैक पेपर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग करीब 1 पिंच से भी कम साल्ट स्प्रे करेंगे। तीनों के ऊपर चीज़ फैला देंगे, स्प्रे कर देंगे चीज़ को। अगर आप चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको स्किप कर दें। इस तरह से अब इसको हाथ से अच्छे से फैला लें। ग्रीन चटनी के ऊपर ग्रीन चटनी फैलाएंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे टमाटो सॉस के ऊपर। टमाटो सॉस फैलाएंगे। इसको इसके ऊपर रख देंगे।
ब्रेड चिल्ली के ऊपर, ब्रेड के ऊपर रेड चिल्ली सॉस फैला देंगे। इस तरह से इसको सेट कर देंगे। अब इसको कटे हुए कटर, बाद के दो बच्चे ब्रेड के ऊपर टमाटो जाम को फैलाएंगे। लास्ट के बच्चे दो ब्रेड के ऊपर फ्रूट जाम को फैलाएंगे। एक ब्रेड को नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। अब इसको कटिंग कर देंगे बीच में से। सैंडविच बनके तैयार है। अब इसको एक प्लेट में रखेंगे, इसके ऊपर स्प्रे करेंगे चीज़ का। पिन लगा देंगे और ये जल्दी से बनके तैयार हो जाता है सैंडविच। कैसा बना है मुझे ज़रूर बताएं। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।